हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जहाँ के राजपूतों की तलवार, राजाओं की प्रेम कहानियां और कवियों की रस भरी कविता अब भी भारतवासियों के दिलों में जोश और उमंग पैदा कर देती है। जहाँ आगरे का ताजमहल अभी तक मुमताज महल और बादशाह शाह जहाँ की मोहब्बत की गवाही दे रहा, जहाँ दिल्ली का कुतुब मीनार अभी तक गुजरे हुए बादशाहों की दास्तान बयान कर रहा है, जहाँ झांसी का किला जिसकी दीवारों पर महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक अब तक आंख मिचौली खेल रही है। लेकिन ऐसी भी जगहें हैं जो इसी तरह की मोहब्बत भरी और बहादराना कहानियां अपने सीने में छिपाए पड़ी हैं, लेकिन आम लोग इन्हें नहीं जानते। हम उस जगह का जिक्र करते हैं जिसे शहंशाह हुमायूं ने आज से 400 साल पहले तैयार करा के एक राजपूत सिपाही को अता फरमाई थी, और उसी का नाम है लाल हवेली। यह है बादशाह हुमायूं, जिन्होंने चित्तौड़ की शहजादी को बहन बनाकर दुनिया वालों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी कहानी लिखी जो सदा याद रहेगी। लेकिन इस बादशाह की ये कहानी अधूरी ही रह जाती अगर हमारे दादा के दादा अपनी जान देकर चित्तौड़ की लड़ाई में हुमायूं की जान न बचाते। ये है जहांगीर, जो एक रोज मलका नूरजहां से नाराज होकर इस हवेली में तशरीफ लाए थे। यह शाहजहां, जिन्होंने मैं अपनी बेगम के इस हवेली को मेहमान नवाजी का मौका दिया और हम गरीबों को इज्जत बख्शी। यह है राजा शेर सिंह, जिन्होंने बादशाह हुमायूं की जान बचाकर इस हवेली की बुनियाद अपने लहू से रखी थी, और इसीलिए इस हवेली का नाम लाल हवेली रखा गया। ठाकुर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? आपने इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं फरमाया। मिठू, ठाकुर साहब, शायद आपकी ये तस्वीर देखकर दुख होता है। हम लोग आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। आपकी मर्जी नहीं तो आप इसके बारे में कुछ ना बताइए। यही हमारी इस लाल हवेली की चमकती हुई पेशानी पर एक स्याही का टीका, जिस पर नजर पड़ते ही हमें अपनी गर्दन झुका लेनी पड़ती है। काश ये सफा लाल हवेली की तारीख से फट सकता। ये मेरी बड़ी बहन थी। पिट्ठू, मुक्ता, संभाल तो इस तोते को, वरना जान से मार डालूंगा। मुक्ता, आनंद, मुक्ता, 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 मेले में चले, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, भालू नाच नाच रहा है। हाँ, बड़े बड़े साधु आए हैं, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई सर के बल खड़ा है। वहाँ नकली नाच रही है। हाँ, आओ बलम चले मेले में, आओ बलम चले मेल में। मोहले चल बलम मेले में, मैं कैसी कैसी हार गए, हार गए रे, मैं कैसी कैसी हार गए,
பார்வையும் முகிலே செல்வலமும் மேலமே முகிலே செல்வலமும் மேலமே கட்டி கட்டி பார்வையே பார்வையிருந்து கட்டி கட்டி பார்வையே பார்வையிருந்து துஜ கசல ஜாம் கோரி மேலே துஜ கசல ஜாம் கோரி மேலே वहाँ घूरेंगे लापाल बेले होए वहाँ घूरेंगे लापाल बेले कहेंगे जाने हाय नजरिया तोरी मार गई मार गई रे नजरिया तोरी मार गई मार गई मुझे ले चल बलम मेले मैं कैसी कैसी हार गई हार गई रे मैं कैसी कैसी हार गई हार गई रे मेरे दिल पे साजन ने खटो हो मेरे दिल पे साजन ने खटो हो दिल वाले तू बनिया पे लटू हो दिल वाले तू बनिया पे लटू सपन भर जग कजा डर गई हार गई हार गई रे मैं भी अब तेरी लीला सुनाऊं मैं भी अब तेरी लीला सुनाऊं तेरे यारों को गिन गिन बताऊं हो तेरे यारों को गिन गिन बताऊं लाज कर दो सुनो पर लगाई थे लाज कर दो सुनो पर लगाई थे डूब मर हो तो नैया में जाए थे डूब मर हो तो नैया में जाए थे कौन आता है वो के सुधारी कौन आता है वो के सुधारी वो तो नहीं हर कमोरे पुजारी वो तो नहीं हर कमोरे पुजारी और है कौन ये पगिया वाला और है कौन ये पगिया वाला वो तो बाबू के गाँव का ग्वाला वो तो बाबू के गाँव का ग्वाला आए प्यारी बातों में तू तुम है मार दिए रे नजरिया तुझे मार दिए मार दिए मगले चल बलम मेले मैं कटी कटी हार गई हार गई रे नजरिया तुझे मार दिए मार दिए मगले चल बलम मेले मैं कटी कटी हार गई हार गई रे मैं कटी कटी हार गई हार गई रे जवाहर भैया ये मेला तुम्हारे बुजुर्गों के वक्त से चला आ रहा है हर दसवें साल लगता है इसलिए तुम शहर छोड़ दिया आए हो तब तो गिरदारी हम इस गांव के राजा हुए क्यों नहीं तो छोड़ दो मुझे मुक्ता बिना पूछे कहाँ चली आवत है हम फिर फिरक परेशान हो गए चलो घर मुक्ता मुक्ता ए अंधे देखता नहीं बीच रास्ते में खड़ा है जवाब भी नहीं देता जानता नहीं हम इस गांव के राजा हैं राजा राजा तू या मैं शाबाश शाबाश जीते रहे नन जीते रहे बेटा हर 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 कोई बात हाँ देख देख मार खाएगा मार खाएगा चाचा के हाथ को न भूलना अरे मेरे मालिक अरे मेरे मालिक मालिक एक से एक हाथ लगाएगा तो मार खाएगा अरे ये लक्ष्मण जी का बेटा है बंबई वाले सेठ का बिलास वाले सेठ का हुआ तो क्या हुआ ए आगे बढ़ेगा तो याद रखना मैं भी पंडित हूँ परशुराम के खानदान का हाँ हाँ ए ए ए ए
कैसे करो दो पतिया चाचा कहाँ गवाए रतिया हमसे करो दो पतिया जनेऊ कसम दूसरी लाल सोलह आने लाल तिवारी जी मेरा मुंह क्या देख रहे कह तो रहा हूँ कि दूसरी लाल नीच नीच का बल पड़ जाए तो ब्रह्मचारी मत बोलना आपसे जनेऊ कसम दूसरी लाल कुमार भाभी ओ भाभी चाचा माँ मैं तो चला खेलने को जनेऊ कसम भाभी दूसरी लाल वही आंख नाक वही चाल ढाल जनेऊ कसम बिल्कुल वही तुम्हारा तो सर पड़ गया और भी कोई काम है तुम्हें दुनिया में या दिन और रात तेरे मेरे झगड़ों में फिरते हो अरे भाभी जब से भैया जर्मन की लड़ाई में मारे गए भाभी तेरा तो सुहाग गया मगर पंडित की जिंदगी बेकार हो गई मगर मरा है नाम करके हाँ देख ले तेरे सिवा गांव भर में और किसी के पास है बंदूक हाय हाय क्या बहादुर था हमारा यार भी हाय हाय अरे सौ सौ कोस तक उसकी लठिया का डंका बजा हुआ था हाँ 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 मगर अब जाने दे क्यों याद दिला दी ये बता आनंद कहाँ खेलने गया है वो भी बहादुरी ने कदम रखता है रखेगा ही अरे बहादुर का लड़का बहादुर ही तो होगा अच्छा कुछ खिलाती है या नहीं बोल अब भी लाती हूँ अरे भाभी न लाना न लाना फिर आऊंगा किसी वक्त जनेऊ कसम बाल ब्रह्मचारी हूँ चाचा आ गए आओ जनेऊ कसम इन फोकट के भतीजों ने नाक में दम कर रखा भीमा मालिक इस पेड़ पर आम से कहाँ गए सरकार दो चार ही कैरियां थी तो गांव के छोकरे खा गए गांव के छोकरे खा गए फिर तुम्हें क्या मैंने मुंह देखने के लिए रखा है लाल हवेली के फल इसलिए नहीं है कि गांव के मामूली छोकरे खा जाए ठाकुर इसमें गुस्से गर्मी की क्या बात अरे ये तो लाल हवेली के पानी का असर है हवेली का सबसे बड़ा फल लाल कुंवर पंडित मैंने तुमसे हजार बार कह दिया कि तुम लाल कुंवर का नाम मेरे सामने न लिया करो ठाकुर भगवान की चाल में कोई बाधा नहीं डाल सकता अगर उसकी यही मर्जी है कि लाल हवेली के फल अरे गहरे खाएं तो इसमें ठाकुर बिचारे क्या कर सकते हैं और ये पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी क्या कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते इज्जत के लिए हमारे बुजुर्ग भी करते आए हैं और हम भी वही करेंगे मालिक आपको लक्ष्मण जी ने बुलाया बुलाया है अच्छी बात दिमाग दाई तैयार करो रस्सी जल गई बल नहीं गया ऐठन वही कहते हैं इज्जत के लिए सब कुछ करेंगे अरे ऐसा ही था तो लाल कुंवर को ही क्यों नहीं रोक लिया चाचा ये लाल कुंवर कौन थे हाँ चाचा कौन सी है लाल कुंवर कौन सी लाल कुमार हमको भी सुना तुम भी सुनोगे ना तुम जरूर सुनो बेटा जल्द मोटी ठीक कर लो अभी पैदा हुए तीन दिन भी नहीं हुए और लाल कुमार की कहानी सुनोगे कह रहा हूँ सुना बाबा सुनो लाल कुंवर ये जो लाल हवेली के ठाकुर साहब है ना इनके बाप जिनकी मूछें दिन रात खड़ी रहती हैं लाल कुंवर इनकी बड़ी बहन और इतनी सुंदर थी कि लालपुर तो क्या आसपास के हजार गांव में भी वैसी लड़की पैदा नहीं मगर बिचारी प्रेम में पागल हो गई और किसके प्रेम में एक अदने मामूली आदमी के अजीत सिंह सिपाही के फिर तेरा सर अबे पूछ के फिर क्या हुआ हुआ ये सब लड़कों ने मिलकर इसे मारा गांव छोड़कर शहर में रहने लगा हूं मगर इसका ये मतलब नहीं कि अरे गहरे कोठी वाले ठाकुर के लड़के पर हाथ उठाए
मैं जरूर इसका बंदोबस्त करूंगा लक्ष्मण सिंह जी। ठाकुर, जब मैं तुम्हारी इज्जत रखता हूँ तो तुम्हें भी मेरी रखनी पड़ेगी। अगर बुजुर्गों की ऊंची नाक नीची करा सकता हूँ, लेकिन इस हवेली की इज्जत को एक राज बना रखा है ठाकुर। मैं जानता हूँ लक्ष्मण सिंह जी। पानी पानी जमुना पानी ले आओ। आज ही शहर चलेंगे बेटा। फिर ये के 20 नवंबर से अजीत सिंह लाल कुंवर को लेकर ये जा वो जा ये गया वो गया। फिर क्या था? आन की आन में ठाकुर और ठाकुर के आदमी अजीत सिंह पर टूट पड़े और इसी फाटक पर वो तलवार चली, वो घमसान की लड़ाई हुई कि खून की नदियां बह गई। मगर आखिर में ठाकुर के आदमियों ने अजीत सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर लाल कुंवर ने क्या किया? अजीत सिंह की कटार लेकर अपनी छाती में मार के मर गई और संसार में सदा के लिए प्रेम कहानी छोड़ गई। मगर ये ठाकुर कहते हैं, पंडित कन्हैया लाल जी चतुर्वेदी नहीं कहते। अरे हम तो यहाँ तक जानते हैं कि इस लाल हवेली में आज से 500 साल पहले कौन से दिन कौन सी दाल पकी थी, समझे? अरे हम कहते हैं कि वो मरे नहीं, बल्कि यहाँ से कहीं दूर जाकर पति पत्नी की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार दी। ये क्या तूफान मचा रखा है? मैं और आलम लाल कुंवर का खेल खेल रहे थे पिताजी। लाल कुंवर की बच्ची, किसने कहा तुझसे ये लाल कुंवर का खेल खेलने के लिए? खबरदार, आज से कभी ये खेल खेला तो तेरी खाल उधेल कर रख दूंगा। सही तरह। और आनंद, तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर आज से फिर कभी लाल हवेली के फाटक के अंदर कदम रखा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। समझा? समझा। बदमाश, जबान लड़ाता है। माफ कर दो माँ, ठाकुर ने तुझे मारा? ठाकुर, तुमने औरत पर हाथ उठाया, तुम राजपूत हो? मैं ठाकुर को मारूंगा। नहीं बेटे, जान से मारूंगा। माँ मुझे छोड़ दो। नहीं बेटे, कहाँ है वो ठाकुर? आलम, आलम, मुक्ता, तुम मेरे रास्ते में ना। ठाकुर ने मुझे चले दो मेरी खातिर। मुक्ता, मुक्ता, मुक्ता तू हट जा। ठाकुर, आलम, बदमाश, तेरी जेब मजाल की तू ठाकुर पर हाथ उठाए। मैं ठाकुर, क्या लाल हवेली के बहादुर राजपूतों के यही शान रह गई है कि औरतों और बच्चों पर हाथ उठाए? पंडित, मैं इस बदमाश की शक्ल नहीं देखना चाहता। आनंद, जब भागकर आप तू भी जाने यहां से चल। और ठाकुर आए सजन अब जा तू ले गया सजन।
फिर कठिन लगनिया। हमको राहत था, हमको राहत था। मुक्ता ये देखो, ये चांद कितना अच्छा लग रहा है। बेचारा। बेचारा क्यों? इसलिए कि उसको भी किसी से मोहब्बत होगी। हाँ, जरूर होगी। आनंद, मेरी एक बात मानो, आज मेरे साथ हवेली चलो। मुक्ता, मुझे इस बात के लिए मजबूर ना करो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें चलना ही होगा। चलो ना, चलो। मैं मजबूर हूँ, मैं हवेली के अंदर नहीं आ सकता। मुक्ता। आनंद, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी इज्जत, मेरी आबरू मुझे रोकती है। मैं अंदर नहीं आ सकता। आनंद, आनंद। अच्छा नाओ, लेकिन याद रखना, मैं भी आने वाली हूं। अब तुम मेरा मुख कभी नहीं देख सकते। क्यों चाचा, सच बोलना, कैसा लगता हूं मैं? शहर से लाया हूं ये कपड़े। क्या बात, बहुत। तेरे बाप दादा भी ऐसे ही पहना करते थे। अबे खाल में रह, खाल में। फिर पिए हुए? जनेऊ कसम लग लू, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। कितनी बार तुझसे कहा कि दारू मत पिया कर, पर तू सुनते नहीं। चाचा, वो आ गई। कहां कहां बेटा? वो लंगलू, अब तू जा, फिर मिलना, जा। जनेऊ कसम बाल ब्रह्मचारी हूं। चाचा, पसीना आ रहा है। आ रहा है बेटा पसीना? अरे बेटा, तुम भी सच्चे चौहान के बेटे नहीं जो मौके पर चूक जाओ। चाचा, जब मैं तुझे और आनंद को देखता हूं तो बड़ी हंसी आती है। भगवान, तुम्हारी भी अजब लीला है। तूने औरत को यहां किस रूप में भेजा है? जीते जीते रहो, इसी तरह बाप दादा को नसीहत करते रहो। ए चाचा, मैंने आनंद से कहा कि लो आए। चाचा, कल से मुक्ता बिगड़ गई है तो उस्ताद गलियों के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या चाचा, बेशरम होके हवेली के अंदर चला जाऊं? अरे भैया, ओ भैया, तू आदमी बहादुर है, मगर भगवान कसम खोपड़ी परमात्मा के पास रह गई। सुन लिया चाचा, सुन लिया। अरे चाचा, क्या सुनेंगे, मुझसे सुन। ठाकुर ने कहा है कि लाल हवेली के अंदर पांव ना रखना। बोल। हाँ, अच्छा आगे बोल। अब उधर देख, अब तू क्या उन गधों से भी बदतर है? क्यों चाचा? बात तो तू अकल की कह। हाँ, वो मारा। अब उधर आ, ले फांजा दीवार, मगर बगर छुए। मगर मंगलू। हाय हाय, भगवान कसम भैया, लड़ाई मोहब्बत में तरकीब से काम लिया जाता है। ले आ, चल जा। यार तू बहुत भारी है। अरे बंगलू, हाँ वो तो यही है। मजा आ गया, ले शुरू हो जा। यही फिक्र है शाम पिछले सवेरे, यही फिक्र है शाम पिछले सवेरे, हसीनों की गलियों के मोहेरे तेरे, हसीनों की गलियों के मोहेरे तेरे, यही फिक्र है शाम पिछले सवेरे। मेरे जगदिल की कशिश देख लेना, मेरे जगदिल की
आशीष देख लेना, वो खुद ही चले आएंगे पास मेरे, वो खुद ही चले आएंगे पास मेरे, यही फिक्र है शाम पिछले सवेरे। जमीन पर उतर आया चादा समा से, जमीन पर उतर आया चादा समा से, गरीबों के घर आज होंगे बसेरे, गरीबों के घर आज होंगे बसेरे, यही शुक्र है शाम पिछले सवेरे। पूछे न पूछे हमें क्या, कोई बात पूछे न पूछे हमें क्या, डरे यार पर अब लगाए हैं डेरे, डरे यार पर अब लगाए हैं डेरे, यही फिक्र है शाम पिछले सवेरे, यही फिक्र है शाम पिछले सवेरे, हसीनों की गलियों के ओहेरे फेरे, हसीनों की गलियों के ओहेरे फेरे। मिठू कह दो हाथ खाली नहीं है, आगे मांगे। अंगलू कह दो हम भी राजपूत फकीर हैं, खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। मिठू कह दो राजपूत भीख नहीं मांगा करते। मंगलू कह दो हम भीख मांगने नहीं आए हैं, हम तो अपना खोया हुआ दिल ढूंढने आए हैं। मिठू कह दो हमसे कोई बातें न करे, हम किसी को नहीं जानते। मुक्ता तुम मुझे भूल गई होंगी, मगर तुम्हारी आंखें और दिल अच्छी तरह जानते हैं। आंखें धोखा भी खा सकती हैं, रहा दिल वो टूट चुका। ऐसी बातें ना करो मुक्ता, फजूल जिद ना करो। आनंद जब देखो तुम अपनी खुशी चाहते हो, हमारी खुशी कुछ भी नहीं। तुम्हारी खुशी भी हो जाएगी, लेकिन मुक्ता मुझे हवेली के अंदर बुलाने की जिद ना करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम जल्दी ही हमेशा के लिए मेरी हवेली के अंदर आ जाओगे। कह दो अब खफा नहीं हूँ, कह दो। अच्छा अब खफा नहीं हूँ मेरी मुक्ता। अच्छा मुक्ता अब तो तुम तो मजे में ही आ गए, लगे आगे बढ़ने हैं। अरे तू इस वक्त जा, रास्ता बताया चलने को और तुम लगे दौड़ने को। अरे खफा हो जाएगी तो तरकीब बता दूंगा। अच्छा तो निकाल चवन्नी। चवन्नी हाँ मंगलू मंगलू अबे क्या है, जब देखो तब टोक दिया करता है। यार कोई तीन चार आने पैसे होंगे तेरे पास? क्यों पहले बोल है कि नहीं? चार आने हैं। तो चलो काम हो गया, एक आना मेरे पास है, पांच आने में अद्धा मिल जाएगा। अबे चल जा, चार आने तो मैं खुद मांग कर लाया हूँ और तुझे दारू पिला दूं। चल हट भाग यहाँ से। देख यार शाम तो कट जाएगी जैसे तैसे, मगर दिल में मलाल बैठ जाएगा। अबे सुन लगलू कहाँ जा रहा है, तू है तेरी जिंदगी पर। चल बेटा मैं तुझे दारू पिलाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा किसी रेस से पाला पड़ा। यार मंगलू तू है बड़ा दिल वाला। आज पूरे 20 साल से मैं कहता चला रहा हूँ कि दारू मत पियो, दारू बुरी चीज है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है? क्या हालत है इनकी, जहाँ चार पैसे जेब में आए चले आए दारू पीने। क्यों चाचा तुम भी तो पीने को ही आते हो यहाँ? अबे तू मुझ पर उंगली उठाता है, है? मैं यहाँ दारू पीने के लिए आता हूँ? चल निकल निकल यहाँ से। चल बोला जी डाल दो छतन। बोला जी मेरे मुंह से गंध। अरे पंडित जी कभी तुम्हारे मुंह से भी गंध आई है?
अबे ओ लंगड़ू, चाचा मुझे बुलाया? से? फिर आया आज तो यहाँ? हैं? अभी परसों मना किया ने तेरे को? चल निकल यार, चल। चाचा, भगवान कसम हम लोग वो तो वैद्य जी ने कहा कि लंगड़े की टांग के ऊपर दारू गरम करके लगाना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चकमा देने के लिए भी चाचा ही मिले थे। अबे मंगलू, हम बचपन में तेरी लंगोटी ठीक किया करते थे। हेलो चाचा, जरा मुंह दूर रखो, तो बदबू आती है मेरे मुंह से, यानी मैंने दारू पी है। मुंह तोड़ डालूंगा मुंह, हाँ, अगर चाचा से बदतमीजी की तो नालायक। अरे ओ पंडित जी, वो पांच आने के पैसे ढीले कीजिए। जनेऊ कसम, बहुत बुरी आदत है तुम लोगों की, बहुत बुरी आदत है। क्या मैंने सजा वर्क खोला था? पांच दसाने की कोई बात नहीं है, आपस में गरज उधार चलता ही है। लो, पास में हो तो दे देना, लेकिन बीच में बात मत काटा करो, बहुत बुरी आदत है तुम। चाचा, हाँ? मानसगंज। अच्छा जा लंगू, आज पी ले, लेकिन फिर कभी नहीं पीना। हाँ जा, फिर कभी नहीं पीना। हाँ कसम, बाल ब्रह्मचारी हूँ। चाचा पसीना आ रहा है। हाँ हाँ बेटा आ रहा है। ए पंडित गिरधारी लाल जी, सुनना 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 जरा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। पंडित जी जी, तुम जो अपने को पंडित कहते हो तो आखिर किस बात पर है? माथे पर तीन लकीर चंदन की खींच ली, गले में माला पहन लिया और बन गए पंडित जी है? दस पांच लगन करा दिए, आठ दस श्लोक पढ़ दिए और लगे कहलाने पंडित। वाह, अरे सच्चे पंडित तो है पंडित कन्हैया लाल चतुर्वेदी, जो संसार को उपदेश देते, समझे? सत्यनारायण की पूजा में भी बैठते हैं, शराब की भट्टी में जाके उपदेश भी देते हैं और नकनी से भी बातें करते हैं, मगर मन पंडित जी पवित्र रखते हैं। बात सुन लो, समझे? हाँ, सच्चा विद्वान वही है कि जो तजुर्बा सब कुछ रखे और अरे कुछ भी नहीं। हाँ पंडित जी, तुम्हारे मुंह से दारू की गंध आ रही है। दे 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 दे। तुम्हारी नाक में गंध नहीं तो क्या खुशबू आएगी? इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, समझे? जाइए रास्ता पकड़िए, काम से लगिए अपने। गंध आ रही। मुक्ता, थोड़ा अपने स्थान पर ही खुश रहता है, देखो यहाँ कितना मजा आ रहा है। मेरा दिल तो यहाँ आकर भाव भाव हो जाता है। ओ मुक्ता, मोहनिया सुंदर मुखड़ा खोल, मोहनिया सुंदर मुखड़ा खोल, सुंदर मुखड़ा खोल मोहनिया, सुंदर मुखड़ा खोल। सुंदर दार ना डोल मोहनिया, सुंदर मुखड़ा खोल मोहनिया, सुंदर मुखड़ा खोल। मन को हो किस तरह दिलाना, मन को हो किस तरह दिलाना, कुआ पास और फिर भी प्यासा, कुआ पास और फिर भी प्यासा। रुक बयान मोर, रुक बयान मोर, सुंदर मुखड़ा को सुंदर मुखड़ा। हाल जो तेरा बुरी है मेरा, हाल जो तेरा बुरी है मेरा, एक जगह दोनों का बसेरा, एक जगह दोनों का बसेरा। दिल को अमृत घो, दिल को अमृत घो मोहनिया, सुंदर मुखड़ा खोल मोहनिया, सुंदर मुखड़ा खोल।
देख लिया ना? अच्छा जी, कम दिखाई देने लगा है क्या? लो देख लो, देख लिया? तो फिर यहाँ भी ए मुक्ता, मुक्ता, तुम्हें वो दिन याद है जब हम और तुम इस जगह पर रोज आया करते थे? मगर वो दिन तो जरूर याद होगा जब पांडे जी की बगिया से आम चुराए थे। अच्छा, वो दिन तो जरूर ही याद होगा जब मंगल से तुम्हारी शादी हुई थी और वो तुम्हें बुधवार धोबी के गधे पर बिठा कर ले भागा था और विदा होते वक्त तुम कितनी फूट फूट कर रोई थी। उस दिन सच डर ही गई थी। करता था। सचमुच डर गई। अरे मुक्ता, मंगलू तो नहीं। मैं तो सचमुच डर गई थी। माया जी, पिताजी, चिट्ठी लिख दी? किसको? ये भी याद नहीं, लाल हवेली वाले ठाकुर को और किसको? शादी को सिर्फ 10 रोज रह गए हैं और किसी को फिक्र ही नहीं। पिताजी, शादी मेरी है या दीदी की? शादी तो जरूर मेरी है, मगर मैं चिट्ठी कैसे लिखती पिताजी? भैया क्यों नहीं लिखते क्या? जवाहर, ओ जवाहर। जी पिताजी। कहाँ जा रहे हो? जरा पिकनिक पे जा रहा था। इधर आओ। पिकनिक जा रहा हूँ, जरूर जाइए, क्योंकि कल भैया दूज है ना, बहनों को कुछ देना पड़ेगा। ये बात नहीं है माया। बात बात कुछ नहीं, जाओ और जाकर लाल हवेली वाले ठाकुर को चिट्ठी लिखो, और कहीं जाना हो तो 2 रोज के बाद जाना, समझ गए? जाए खाली, मुंह की गोरी दिल की काली। खामोश, देवी बोला नहीं करती। मैं आज इसलिए पूजा कर रहा हूँ कि मुक्ता को मेरी बना दो। मैं लाल कमर को भगाने वाला सिपाही बनना नहीं चाहता, मगर मौका पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा, भगा कर ले जाऊंगा। हंसती क्यों? अच्छा, हंसते नहीं,
लेकिन हम तुम्हारी इच्छा पे विचार करेंगे। विचार करेंगे, विचार तो विचार करने से पहले मैं तेरे गले को ना दबा लूं। आना छोड़, देखो छोड़ो, देखो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ ना कहो। हाँ हाँ मैं तुम्हारी हूँ बाबा, तुम्हारी हूँ, छोड़ो मुझे। अच्छा तो एक तरकीब बताऊं? कहिए। तुम पंडित चाचा के पास जाओ और उनसे कहो कि बाबा से ब्याह के लिए कहें। मैं सच कहती हूँ, बाबा मान जाएंगे। अरे वाह, क्या तरकीब बताई है, चाचा को फंसाना मेरा काम। देखा देवी ने कैसा विचार किया। गला दबाने के बाद। बात यह है चाचा, दोस्ती वो जो वक्त पर काम आए। अब देखो जरा सी बात है मगर कहने में आती है। उस दिन तुमको बुखार आया, कोई आदमी गांव से दवाई लेने के आ सकता, फिर हम और मंगुलवाई दो को चलते गए। अरे फिर हम लोग ना चाचा के काम आएंगे तो क्या रस्ते वाले हैं? भगवान कसम कल की बात है, मैंने चाचा से जिक्र भी नहीं किया और कौन जरा जरा सी बात का जिक्र करे। क्या बात है बेटा? अरे कुछ नहीं चाचा, वो हस्ती लाल पटवारी का लौंडा कलवा कलवा तुम्हारी घोड़ी काजी हॉट ले जा रहा था, उसे मेरी नजर पड़ गई, बढ़ के दो रैपर जो दिए तो वो गिरा जाकर। अबे मैंने कहा तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू चाचा की घोड़ी को कांजी हॉस ले जाए हैं? तू कहने लगा धान खा गई। अबे मैंने कहा खा गई तो कोई परवाह नहीं, जब तक मंगलवा जिंदा है चाचा की घोड़ी सारे गांव का धान खा जाएगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी घोड़ी को तो मरे हुए भी 3 महीने हो गए। अरे मरेगी कैसे चाचा है? मर गई, मर गई। हाँ चाचा घोड़ी तो मर गई, मैं कोट पहन के आता हूँ। अरे कोट तो मगर चाचा अपना तो कोई है ही नहीं, पिताजी के बाद बस तुम ही तो हो। तुम ही चाहोगे तो अपने भतीजे के लिए बहुत, नहीं तो चाचा। हाँ पिता क्यों चाहूंगा, मगर कोई है तेरी नजर में? चाचा ये क्यों पूछते हो, तुम तो जानते ही हो चाचा। अरे वो तो मैं 15 बरस से जानता हूँ, मगर जरा ऊंचे घर में आना दिया है बेटा तुमने। खैर कोई परवाह नहीं, मेरा नाम भी कन्हैयालाल चतुर्वेदी। अरे वाह चाचा वाह चाचा, बेटा जरा। पंडित सोच समझकर मुंह से बात निकालो, मुक्ता और आनंद की शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। ठाकुर याद रखना, अगर ये शादी नहीं हुई तो ये दूसरी लाल कुंवर। पंडित दूर हो जाओ मेरे सामने से, जब तक मैं जिंदा हूं ये कभी ना होगा, कभी नहीं। मुक्ता मुक्ता मुक्ता। बाबा। मुक्ता मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, लेकिन जो साजिश तू कर रही है वो कभी पूरी नहीं होगी। तू हवेली वाले ठाकुर की बेटी है, उस ठाकुर की जिसने हर मुसीबतों का सामना किया लेकिन दुनिया वालों को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। लक्ष्मण सिंह की लड़की की शादी होने वाली है, जाओ तुम शहर जाने की तैयारी करो। लेकिन बाबा मैं शहर नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, तुझे जाना ही पड़ेगा। क्या तू ये चाहती है कि लाल हवेली की इज्जत खाक में मिल जाए और बुजुर्गों की वो निशानी जिसका नाम आते ही हम घमंड से सर ऊंचा कर लेते हैं दूसरों के पास चली जाए? मगर बाबा मुझे शहर के लोग पसंद नहीं है, मैं उनसे नफरत करती हूँ। नफरत करती है इसलिए कि उन्होंने इस हवेली की इज्जत को बरकरार रखने में तुम्हारी मदद की है। जानती है तेरे दादा के वक्त से यह हवेली उनके पास रहन है, वो जबान तक नहीं हिलाते और तू उन्हीं की शादी में शरीक होने से इनकार करती है। जाओ जाने की तैयारी करो। Thank you.
अरे आप इस गाड़ी में कैसे चले आए? दिखाई नहीं देता ये जनानी गाड़ी है। नमस्ते, मैं कहती हूँ ये जनानी गाड़ी है। माफ कीजिएगा, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। मैं कहती हूँ ये जनानी गाड़ी है। आपकी शादी अभी हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम तुम्हारा सर। सत्यवती देवी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी हाँ, खुशी तो मुझे भी बड़ी हो रही है, मगर क्या करें। आप समझा, आप फिल्म में एक्टिंग करती हैं। भाई काम बहुत अच्छा है। सुना है आप लोगों को तनख्वाह भी बहुत मिलती है। बेवकूफ कहीं का। मगर आप इतनी तकलीफ से क्यों बैठी हैं? आराम कीजिए ना, आराम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे खास तौर पर आपकी गालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बहरे। ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ है, मगर सफर में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मोना देखो कौन आया है, गांव वाले ठाकुर की बेटी आई है। मुक्ता कैसे हो? माया कितनी बड़ी हो गई है ये। हाँ दीदी। भैया, ओ भैया देखो कौन आया है। पहचानो तो कौन आया है, गांव वाले ठाकुर की बेटी है मुक्ता, बड़ी होकर कितनी खूबसूरत हो गई, जैसे गुलाब का फूल। हाँ मगर तुम्हारे फूल में कांटे बहुत हैं, दूर से ही चुभने लगते हैं, और अगर गलती से कहीं हाथ लगा बैठता तो आज इस खोपड़ी पर एक बाल भी नजर नहीं आता। जनेऊ कसम बाल ब्रह्मचारी हूँ। मंगलू पसीना आ रहा है बेटा, अरे चाचा के माल पे भी नजर। चाचा तेरी कसम मैं तो तेरी सिफारिश कर रहा था, अब तुम मानो या ना मानो। जी तेरो बेटा सच्चे सच्चे। चाचा तुझे भरोसा नहीं मुझ पर? नहीं नहीं, तुमसे बढ़ के खैर खा और सच्चा भतीजा मेरा है ही कौन है? भगवान कसम चाचा, तू दुनिया भर में ढूंढे तो मंगलू जैसा भतीजा नहीं मिले। जी, जी। तुम तो खामखा खपा हो जाते। नहीं बेटा, देख चाचा आ रही है। आ रही है तो तुम जाओ। हाँ? जाओ जाओ। नहीं आए घनश्याम। मंगलू ये घूर घूर के क्या देखता है? अरे भैया घूर घूर कर देख रहा हूँ कि पहले जमाने में लोगों को खांसी और बुखार हुआ करता था, मगर अब ये प्रेम की बीमारी कुछ ऐसी फैली हुई है कि ना इसका इलाज हकीम कर सकता है ना बैठ भगवान। मंगलू तूने फिर बकबक शुरू की। अरे पगले मैं तो चाचा के इंतजार में बैठा हुआ। पूछो। शाबाश शाबाश, तुम और चाचा ही हिंदुस्तान को आजाद कराओ। वो अपने मोर्चे पे डटा है और तुम अपने मोर्चे। अरे मंगलू सारी दुनिया तरक्की कर रही है। अच्छा? मगर तुझे तुझे अकल ना आई, और कम वक्त में बिकती भी तो नहीं जो तुझे खरीद के ला दूं। तू मजबूर क्या करूं? अरे मंगलू मैं कोई मुक्ता के फिराक में बैठा हूँ। तुम तो मंगलवा के फिराक में बैठे, यही है ना? अरे पगले मैं तो चाचा से ये पूछने आया हूँ कि जब याद बहुत सताए तो क्या करना चाहिए। भैया ये भैया तू मेरा एहसान मान या ना मान, मगर भगवान कसम सलाह तुम मंगल वही देगा। अरे औरत की कहानी सुन मंगलू की जुबानी। मंगलू जा तो अब घर जा, आराम से सुन।
चल भाग यहां से। सच कहा है, प्रेमी और उल्लू को जंगल ही पसंद आता है। पगला कहीं। अरे पगले, तू क्या जाने मोहब्बत क्या चीज है। काम को जा रहे हैं। भगवान कसम आज बरसात जरूर होगी। जा तो रहे थे, अब नहीं जाएंगे। टोक दिया ना यार, तू भी बड़ा बेसुरा है। मंगलू, मुक्ता आ रही है। मुक्ता, चिट्ठी आई है, ये पढ़। मैं पढ़ूं? काला अक्षर भैंस बराबर। अरे पढ़े लिखे होते तो ये फावड़ा उठाते है। तू ही बता क्या लिखा है। अरे लिखा है, देरी हो गई, बहुत जल्द आ रही हूँ, माफ करना। अरे भैया तू बुद्धू है, बुद्धू बोल क्या समझा। मैं बुद्धू हूँ? भगवान कसम औरत का कभी भरोसा नहीं करना, बेवफा है बेवफा। सुन, एक दफा मेरी मामी शहर गई थी समझे, जब लौटी तो मुझी से पूछती है कि मंगलवा कहाँ है, मंगलवा कहाँ। बोल अब तू ही बता क्या जवाब। लेकिन ये मेरी मुक्ता है, मुक्ता। हे भैया, मगर मुक्ता बदली हुई नजर ना आए, कलुआ के मुंह पर दारू पीकर तीन दफा थूक देना, थूक देना। मंगलू, मालूम है तुझे कहाँ जाना है? खेत। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तशरीफ ले जाए। अच्छा जी, ये जोर है। मैंने कितने खत लिखे मगर तुम्हें मंगलू से फुर्सत कहाँ। क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी आपके खत खत्म नहीं हुए, कितने लिखिएगा? क्लब के लिए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जवाहर बाबू, मुझे तो माफ ही कर दीजिए तो अच्छा है। ये नहीं हो सकता, आपको चलना जरूर पड़ेगा।
प्रेम की चिट्ठियों के लिए तो उम्र भर बाकी है। माया क्यों लौट के कहाँ जा रही है? कहीं नहीं भैया, अभी आई। देख जल्दी से आपको तैयार करा वरना देर हो जाएगी। अभी लो, बस एक मिनट में आओ जी। कहिए नैना जी, क्या हो रहा है? आइए तशरीफ लाइए। देखिए ये रुमाल मैंने सरोजनी से लिया और ये इनके मोहब्बत की बहुत कीमती यादगार है। मैं इसे फाड़ता हूँ। नैना जी, ये तुमने क्या किया? मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वेल डॉक्टर साहब, प्लीज वो रुमाल हमें दे दीजिए। लाइव मेरे पास कहाँ है रुमाल? ये रहा। तो कैसी रही? बस बस बस, अब रहने दो, बहुत अच्छा मालूम हो रहा है। बस अब जरा से और लो, ये ठीक हुआ। सच कहती हूँ बहन, मुझे इन सब चीजों से नफरत है। बस एक साड़ी पसंद है, नहीं तो ये बंदर जैसा मुंह। तू क्या जाने शहर की बातें, गवारन कहीं की। चल अब जूता पहन। नहीं नहीं, मुझे ये घोड़े जैसे खुर पसंद नहीं। जब से मुक्ता देवी यहाँ मेहमान हुई है, जवाहर बाबू का रंग कुछ बदला हुआ दिखा। आइए आइए, आप हैं डॉक्टर साहब मेरे खास दोस्त, और आप हैं मिस सरोजनी, और आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कह देता हूँ। मैं नैना जी हूँ, आप सब लोगों की जूतियों की खाक, मगर दुनिया को एक ही नजर से देखता हूँ। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हासिल हुई। आपको नाच पसंद आया? अगरचे नाच पसंद नहीं आया, लेकिन इन गांव वालों की किस्मत पे अफसोस जरूर हुआ। अफसोस? अफसोस कैसा? सच पूछो तो ये गांव वाले बेचारे भोले भाले इन शहरियों की नजरों में बेवकूफ समझे जाते हैं। अजी ये तो आप हम शहरियों की इज्जत बढ़ा रहे हैं, वरना आप किस लायक? शट अप नैना जी, शट अप डॉक्टर। क्यों नहीं, आपको तो गांव की हर चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके मनमोहन और वो चिट्ठियाँ। भैया गांव चलो ना, आखिर गए हुए भी तो कितने साल हो गए हैं। हाँ चलिए, और हमारे मेहमान बन कर रहिए। वाह वाह, क्या बात कही है। अच्छी आप बुलाएं तो हम कब्र से वापस चले आए। नैना जी, डॉक्टर साहब देख ले है पूरे दोने। देख ले बेटा लंगलू, तेरी दुम में रखा। है कुछ और है? क्या बेटा हवा खाओ। लंगलू भैया एक सवाल उतार देगा। देख बे लंगलू, तुझे हजार दफे मना किया है कि जुआ उधार लेके ना खिला कर, मगर तू नहीं मानता। भगवान कसम ऐसी लकड़ी मारूंगा कि कपार फट जाएगा। देखा देखो भैया, अरे इन्हीं लोगों ने तो जुए को बदनाम कर रखा है। भला तुम ही बताओ, जुए जैसी सच्ची कोई चीज है? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर ईमानदारी से खेला जाए। अरे नगद लगाओ, नगद लगाओ, नगद लो। अच्छा? तो हम मंगलू, तेरी मौत मेरे हाथ लिखी। भैया भगवान कसम मैं और जुआ खेलू? अरे राम राम राम, ये तो लंगड़वा है लंगड़वा, जब देखो कहता है कि जुआ खेल। अबे जुआ खेलना भले आदमी का काम है, है? चल जा यहाँ से, ले तेरे बार आने पैसे। चल भैया देखो बे,
मंगलू जल्दी चल, मालूम है मुक्ता आ रही है। मुक्ता? मुक्ता? हाँ। जानता है मुक्ता कौन है? औरत है, औरत। आइए तशरीफ लाइए, फिर अपना गांव अपना ही गांव है। मंगलू, मिस मुक्ता स्टेशन भी मौजूद है, स्टेशन मास्टर भी, पुलिस भी, लेकिन वो आपके महाशय मनमोहन कहाँ है? हाँ मुक्ता, वो नहीं आए। छोड़ो बहन, नहीं आए तो ना सही। मंगलू तो सच कहता था, मुक्ता तो बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। चलो वापस चले। भैया चलो जरा बात तो करें। मैं कहता हूँ वापस चलो। चलो। हाँ, मैंने कहा जवाहर बाबू, क्या हम लोग आपकी कोठी चलेंगे या आपकी कोठी हमें लेने आएगी? नहीं, आप लोग हवेली चलेंगे। आप तकल्लुफ न कीजिए, आपकी हवेली और मेरी कोठी कोई दो चीजें थोड़ी है, और फिर हम लोग मेहमान तो आप ही के हैं। आइए। चलिए। के फंदे में हसीनों के न आना, तुम भूल के फंदे में हसीनों के न आना। दिल न लगाना मेरी जा, दिल न लगाना मेरी जा, दिल न लगाना। इन मस्त नजर वालों से आंखें न लड़ाना, इन मस्त नजर वालों से आंखें न लड़ाना, आंखें न लड़ाना। दिल न लगाना मेरी जा, दिल न लगाना मेरी जा, दिल न लगाना। वादों का भरोसा नहीं माशूक में झूठे, वादों का भरोसा नहीं माशूक में झूठे। बातें हैं बहुत भोली मगर दिल के हैं खोटे, बातें हैं बहुत भोली मगर दिल के हैं खोटे। कुदरत ने सिखाया है इन्हें दिल का चुराना, कुदरत ने सिखाया है इन्हें दिल का चुराना। दिल लगाना मेरी जा, दिल लगाना मेरी जा, दिल लगाना। फिरते हैं जो बाजारों में ये चोटियां डाले, फिरते हैं जो बाजारों में ये चोटियां डाले। जुल्फों का फकत धोखा है दो नाग हैं पाले, जुल्फों का फकत धोखा है दो नाग हैं पाले। दस जाएंगे देखो कभी नजदीक न जाना, दस जाएंगे देखो कभी नजदीक न जाना। दिल लगाना मेरी जा, दिल लगाना मेरी जा, दिल लगाना। तुम भूल के फंदे में हसीनों के न आना, तुम भूल के फंदे में हसीनों के न आना। दिल लगाना मेरी जा, दिल लगाना मेरी जा, दिल लगाना। जवाहर बाबू, वाह वाह, कोठी तो खूब है। गांव में ऐसी कोठी कौन बनवाता है, ये तो तुम्हारा ही जिगर है। क्यों जी? हाँ हाँ ठीक है जी, मगर यार जिसके लिए हम आए वही दिखाई नहीं देता। कौन? तुम्हारे दिल की धड़कन खूब समझता हूँ, मुक्ता देवी। चपरा जी, पालन, मुक्ता तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। नहीं, तुम्हारे होठों की सुर्खी, तुम्हारे गालों का पाउडर, तुम्हारे जूते, तुम्हारी साड़ी, इस सब मुझे कह रहे हैं कि अब तुम मेरी नहीं रही। आनंद, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इसमें हवेली की इज्जत का राज है। आनंद, मैं उन लोगों को नाराज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे दुख दे सकती हो। वहीं जाओ। आनंद, ऐसा ना कहो, मुझे माफ कर दो, मेरी इज्जत रखो। थोड़ी देर के लिए वहां चले चलो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा। आनंद, तुम अपनी छोटी सी जिद के लिए मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। जरूर कर सकती हो, तुम मेरी हो ना, हो ना? जरूर आओगे ना, आओगे ना? तुम्हें मेरी कसम।
नहीं नहीं, मैं डांस सीखना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। माया क्या जिद करती है, वो सीखना नहीं चाहती, छोड़ दे। माया जवाहर बाबू, मुझे 10 मिनट के लिए इजाजत दीजिए, मैं भी आती हूँ। देखिए नहीं हो सकता, आप नाचना नहीं चाहती ना सही, मगर बैठना जरूर पड़ेगा। मुख्तार, ओ ये है आपके मनमोहन, आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए, कुछ नोश फरमाइए। गांव में तो आप देसी पीते होंगे, आज हम आपको विलायत पिलाएंगे। नैना जी तशरीफ रखिए। मुख्तार, ये जगह अपने लायक नहीं, चलते होगे नहीं। आनंद तुम ये क्या कर रहे हो? सब पियो। आज तुम्हें क्या हो गया है आनंद? मंगलू आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें क्या हो गया है आनंद? पियो, आज मेरे दिन का सबसे बड़ा दिन है, आज आनंद भी पिएगा। क्या किया तुमने? शराब पी है? हाँ पी है। क्या हुआ आनंद, तुमने शराब पी है? पिताजी तुम बहादुर थे, मैं भी बुजदिल नहीं हूं। एक काम मैंने तुमसे भी ज्यादा किया है, तुमने शराब नहीं पी थी मगर मैंने पी है। बेटा छोड़ दे, बंदो छोड़ दे आनंद, छोड़ दे, मोहब्बत की चिट्ठियां। आनंद, धानों का रंग धानी से पीला हो चला होगा, इस वक्त मैं धानी ओढ़नी हो रही हूँ, मगर बिना तुम्हारे अब ये मुझे पीली नजर आ रही है। उतार के फेंक दी, तुम्हारे पास तुम्हारे ही हाथों से उड़ूंगी। जरूर उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा। मुक्ता देवी आपकी खामोशी अच्छी नहीं मालूम होती है। जी हाँ, सारी फिजा ही खामोश नजर आती है। एक बार तो मुस्करा दीजिए। अजी वाह, अगर मुस्करा दे तो हमारी दुनिया ही बदल जाए। मुक्ता देवी आप नैना जी की बातों का ध्यान हमारा कर लो, ये तो मोहित द्वारा पता। मेरे आनंद ने गोली मारी। आनंद ने जवाहर को गोली मारी? आनंद ने गोली मार दी? खतरा तो नहीं है? मेरे भाई बच जाएंगे ना? बच जाएंगे? बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो कि वे बच जाएंगे। डॉक्टर किसी तरीके से इनकी जान बचाओ। डॉक्टर इनकी जान बचने का एक ही तरीका है। क्या? अगर कोई अपना खून दे दे तो, क्योंकि इनका खून जरूरत से ज्यादा बह चुका है। तो डॉक्टर इनकी जान बचाओ, खून ही देकर बचाओ। नैना जी आप लोग जवाहर बाबू के सबसे बड़े दोस्त हैं, आप अपना खून दे सकते हैं। गर्दन क्यों झुक गई? डॉक्टर मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारी जान का खतरा है। कोई परवाह नहीं डॉक्टर, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, लेकिन इनकी जान बचाई। ठाकुर मुक्ता अपना खून दे रही है, मुक्ता अपना खून दे रही है। क्या कह रहे हो पंडित? साफ साफ बोलो, जवाहर की जान बचाने के लिए मुक्ता अपना खून दे रही है। जानते हो ठाकुर इसमें उसकी जान का खतरा है, वो मर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे खून कभी नहीं देने दूंगा, कभी नहीं। Thank you.
आनंद भैया, दूर से पागल हो गया हूँ। ये क्या किया है तुमने? खैर जो कुछ भी किया वो अच्छा किया, मगर मंगलू को तो मौका दिया होता कि दो चार हाथ दिखाता। मंगलू तेरे से अपना है ही कौन? अरे कैसी बात करता है भैया, तेरे लिए तो मंगलू की जान तक हाजिर है। कौन है जी तुम? हम जवाहर बाबू की तरफ से पकड़ने आए हैं। अच्छा जी। हाँ। भैया पकड़ने आए हैं, बोल गिन एक दो तीन। सर आप यहाँ तशरीफ का टोकरा लाइए, इधर आइए। देखिए हाथापाई के नहीं मिला तो पकड़ने आए हो। यार तू तो बहुत बुजदिल आदमी निकला, अब तू जैसे आदमी के ऊपर कौन हथियार उठाए? अरे नकटाई बांधे हुए, फिर तो तुम्हारी खातिर जरूर करनी चाहिए। जाने दीजिए साहब, जाना जाने दीजिए। अच्छा जा। अबे जाता कहाँ, इधर आ इधर आ। अब जाने दीजिए, भगवान के लिए जाने दीजिए। जाने दीजिए। अच्छा जाना चाहते हो, अच्छा बेटा जाओ, मगर भूल के इधर देखा तो तेरी खबर नहीं। तक जा, तक। ए, फिर देखा बे, तक, तक। नैना जी ये क्या हालत है? आज वो हाथ दिखलाए, वो हाथ दिखलाए, कुछ ना कुछ। अरे सारा गांव एक तरफ और मैं अकेला, आखिर मेरा लोहा मान गया। क्यों जी? हाँ ठीक है जी, तभी तो इतने जख्म। ये जख्म तो अच्छे हो जाएंगे, खैरियत तो ये हुई इनकी दूसरा सही सलामत है, वरना अभी जवाहर बाबू के लिए आंख क्या सर। मगर हाय हाय हाय, अफसोस एक ही बात का कि वो कमबख्त डर के भाग गया, और हम हैं कि भागते का पीछा नहीं करते। लेकिन आप लोगों को ये कैसे मालूम कि गोली उसी ने चलाई है? आखिर इसका कोई सबूत? सबूत? सबूत हाजिर है, ये गोली, जिसकी गोली उसकी बंदूक, और उसी ने चलाई। डॉक्टर ये बात कही है तुमने, बस मजा आ गया। लेकिन जवाहर बाबू दुनिया में अगर आए तो बस तुम्हारे जैसी किस्मत लेके आए, वरना आना ही बेकार। वो कैसे? जरा मर्दानी बात है लेडीज। जवाहर बाबू क्या नसीब पाया है? कुछ बोल तो सही, आखिर हुआ क्या है? हुआ ये कि इधर तुम्हारे गोली लगी, उधर मुक्ता के मुंह से चीख निकली, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब डॉक्टर ने कहा कि जान का खतरा है, बगैर खून दिए नहीं बच सकते, फिर खून देने के लिए फौरन तैयार हो गई। अजी खून देना कोई आसान काम नहीं है, वो तो गांव की पट्टी है, जरा भी मालूम ना हुआ कि खून दे रही है। तुम्हारे पास बैठी क्या सज रही थी? जोड़ा है जोड़ा, शादी के लिए क्यों नहीं कहते जवाहर बाबू? जरूर कहूंगा, बल्कि पिताजी कहेंगे। ये तो तुम जानते ही हो कि आज तक मैंने अपने रुपयों का कोई तकाजा नहीं किया, और इस हवेली की इज्जत को एक राज बनाए रखा। तो मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ लक्ष्मण सिंह जी, मगर मुक्ता की बीमारी ने मुझे परेशान कर रखा। अगर इस पर भी तुम चाहते हो कि आइंदा आने वाली नस्लों के सामने ये राज राज बना रहे, तो उसके लिए एक ही तरकीब है। कौन सी तरकीब? मुक्ता से घर की शादी। मुक्ता तूने सुना बेटा? सब कुछ सुन लिया, लेकिन ये कभी ना होगा। तो क्या तू सारी जिंदगी इसी तरह से रहना चाहती है? इससे ज्यादा और क्या होगा कि तुझे इतने अच्छे घराने का लड़का मिले जिसके पास इज्जत दौलत और... बाबा आप नहीं समझते। मैं सब कुछ समझता हूँ बेटा, लेकिन क्या तू ये चाहती है कि लाल हवेली की बर्बादी का सेहरा तेरे सर बांधा जाए? वो हवेली
जिसकी बुनियाद तेरे बुजुर्गों के लहू से डाली गई है, जिसकी इज्जत के लिए खानदान के लोगों ने सर दे दे दिए हैं, बेटा ये उसी हवेली की इज्जत का सवाल है। लेकिन बेटा अब इसकी इज्जत तेरे हाथ है, चाहे इसे बचा ले या बर्बाद कर दे। बाबा, अगर मुक्ता की बर्बादी से उसके बुजुर्गों का नाम आबाद रह सकता है तो मैं ये शादी जरूर करूंगी। मेरी बच्ची, मैं सच कहता हूँ, आनंद ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता। साता बेटा मंगलू, मैंने जिंदगी भर उसे अपनी औलाद की तरह पाला, लेकिन मेरी आंखों में देख मेरी आत्मा रो रही है। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। चाचा, तुम जानते हो तुम्हारे सिवा इस गांव में वो किसी की नहीं मानता। चाचा तुम उसे समझाओ, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा या किसी का खून कर देगा। मंगलू, ऐसा न होने देना बेटा, नहीं तो ये गांव उजड़ जाएगा। मंगलू, वही तो एक है जो अपने बाप के बाद इस गांव में ललकार सकता है। मंगलू, तू उसका यार है ना? यार, यार, चाचा, उसी बाप का बेटा हूं जिसने दोस्ती की खातिर अपनी जान दे दी थी। चाचा, अगर आनंद को मंगलू की कल की जरूरत पड़ जाएगी तो क्या मंगलू पीछे हट जाएगा? चाचा तो जा बेटा, समझाओ उसे, जा। अब जो मन ढूंढे ते मन दे सकना, डूबने वाला डूब चुका जब, डूबने वाला डूब चुका जब, क्या तुझे का सहारा, मन दे मन दे सकना। अपनों से भी धोखा खाया, सबको दुश्मन पाया, सबको दुश्मन पाया। हम हुए सबके दुनिया में, कोई हुआ न हमारा। हम हुए सबके हुआ न हमारा।
कौन आनंद? मैं मजबूर हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मुक्ता, और इसी दिन के लिए मैं जिंदा था कि अपनी आंखों के सामने अपना घर चलते हुए देखो। आनंद, मेरा दिल तुम्हारे प्रेम की आग में जल रहा है और मरते तक जलता रहेगा। और प्रेम नहीं जानती बल्कि धोखा और फरेब जानते। याद है वो दिन जब इसी पेड़ के नीचे कहा करते थे, आनंद तुम्हें मेरे जीवन का सपना हो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, मेरे माथे का टीका मिट जाएगा। आनंद, भगवान के लिए मुझ पे तरस खा, मुझे लाल कमर की कहानी याद ना दिलाओ। आनंद, लाल कमर का नाम तेरी गंदी जबान से अच्छा नहीं लगता मुक्ता, प्रेम की देवी थी। लेकिन लाल हवेली की इज्जत मुझसे प्रेम की भेंट मांगती है। मेरी मोहब्बत भी तो कुछ भेंट मांगती है। अगर इससे तुम्हारी तसल्ली हो सकती है चलो और मारो। छोड़ दे मंगलू, ये हाथ इसी काबिले का काट कर फेंक दे जाए। आज ये हाथ एक औरत पर उठा है तो इसके लिए अपने हाथ काट डालेगा। आनंद, तू उस बाप का बेटा है जिसने अपनी छाती पर 6 गोलियां खाई थी, औरतों के लिए जान नहीं दी थी। नहीं मंगलू, मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। कहां जाएगा? वहीं जहां मेरे बाप ने जान दी थी। मंगलू तेरे साथ। चाचा, भगवान की माया भी कोई नहीं समझ सकता। अगर आज आनंद की शादी का बाजा बज रहा होता तो कितना मजा आता, हमको तुमको कितनी खुशी होती। हाँ बेटा, सब तकदीर के खेल। चाचा, शादी में तुम नहीं जाओगे? जाऊंगा क्यों नहीं बेटा, जाना ही होगा। पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी के गए बिना शादी होगी कैसे? शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। पंडित, क्या तुम पागल हो गए हो? ठाकुर, एक लाल कुंवर की स्याही का निशान तो तुम अब तक अपने माथे से न छुड़ा सके, अब क्या पूरे चेहरे पर स्याही मल लेना चाहते हो? पंडित जी, तुम क्या बक रहे हो? ठीक बक रहा हूँ, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये भाई बहन है। भाई नहीं हो सकते, ये बदमाश है, निकाल दे से बाहर। पंडित, ये भाई बहन कैसे हुए? ये भाई बहन कभी नहीं हो सकते। क्यों, क्या जवाहर की जान बचाने के लिए मुक्ता अपना खून नहीं दिया था? ठाकुर, क्या मुक्ता का खून जवाहर में नहीं है? क्या इसके माँ बाप का खून जवाहर के खून में नहीं मिल गया? बेटा बेटी जबान से पराये हो जाते हैं ठाकुर, ये तो खून मिलने का सवाल है। और ये पंडित 3 लकीरें खींच कर लगन कराने चले आए। कराओ कराओ बहन भाई की शादी, कराओ। तब मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मुक्ता, मुक्ता, ये मेरी और मेरे खानदान की बेइज्जती है। जवाहर बाबू, मैं मजबूर हूँ। मुक्ता, ये बचपना है, शहर में रोज ऐसी बातें होती रहती हैं। मगर ये शहर नहीं है, गांव है। तो इसका अंजाम बुरा होगा, हवेली की इज्जत को खाक में मिला दूंगा। हवेली की इज्जत के लिए मुक्ता अपने भाई से शादी नहीं कर सकती? तो सुन लो, अब हवेली की जगह गाय और घोड़ों का अस्तबल होगा, तुम्हारी खानदानी यादगार जिसके लिए तुम घमंड से सर ऊंचा करती हो, एक खंडर नजर आएगा। मुक्ता, मेरे इंतकाम की आग ऐसी भड़केगी कि हवेली जलकर राख हो जाएगी। ओह,
आई एम सॉरी भैया। ये मैम साहब क्या कह गई है? अबे चल ना चरखटे, तू समझ के क्या करेगा, चल। ए, देख के नहीं चलता। वो तो हंसी। अरे भैया वो तो फिर हंसी। ए भाई तेरे कसम, अगर सबकी मर्तबा हंसी तो समझ ले फंसी। देख क्या देख, नहीं देखता। अरे चमकी और खूब चमकी, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आया। भगवान कसम मुक्ता की शादी हो गई, अब लड़का होने वाला होगा, मगर तुम तो उसी के चक्कर में हो। हैं? चल मेरे साथ चल। ये बात तो है, मगर भैया जवानी कसम मेरे दिल को यकीन नहीं कि वो मुझे देखकर हंसी या तुझे। तेरी चीज तुझे को मुबारक हो। शाबाश भैया, भगवान कसम नियत हो तो ऐसी हो, मगर भैया देख आगे। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। अब तुम लोग कपड़े उतार डालो। हैं? कपड़े उतार डालो? वो भी औरत के सामने? वो कमीज उतारने कहता है पागल कहीं का। हाँ तो यूं क्यों नहीं कहता जी? कमीज ये मैं जरा तुम यहाँ निपट लो, इसमें कुछ कुछ हो। क्या होता है तुम्हारे दिल को? भगवान जाने, जब से तुमको इसने देख लिया है ना, उसी वक्त से इसकी चाल में बल पड़ गया है। जरा ठोकर लेके चलता है। अच्छा हो जाएगा। तो साहब तुम दवा देगा ना? काय को नहीं देगा, जरूर देगा। नर्स? यस सर। इन दोनों आदमियों को हॉस्पिटल में दाखिल करो। और एक सर। भैया ये भैया है छोटी सी, मगर भगवान कसम मिर्ची से भी ज्यादा तेज। अरे मुंह क्या देखता है? कपड़े पहन, तैयार हो जल्दी। मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो बिचारी मैन साहब जन्म भर कुंवारी रहेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी अस्पताल जाता हूँ। मंगलू तुझे चलना ही पड़ेगा, उठ खड़ा हो, उठ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं भी राजपूत हूँ, जो कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा। ले मार दे, मार दे, देखता क्या है, तू भी राजपूत है। मंगलू ये नहीं हो सकता। देख आनंद, दिल में मलाल बैठ जाएगा, मैं कहता हूँ मार दे, मार दे, तुझे मुक्ता की जान की कसम ले ये चाकू मार दे। शाबाश आनंद भैया, मजा आ गया, जिंदगी में ये बात हुई है। मिस्टर मंगलू, तुमने हमारे लिए हाथ क्यों काट लिया? अरे मैम साहब, हम ठहरे राजपूत, जिससे प्रेम करते हैं ऐसे ही प्रेम करते हैं। हाथ तो हाथ, तुम कहो तो गर्दन काट के तुम्हारे कदमों पर डाल दो, मगर अफसोस एक है, तुम कहोगे नहीं। ना बाबा, ना ना ना, हमको तुम्हारा गर्दन नहीं मांगता। नहीं नहीं, तुम एक मर्तबा कह के तो देखो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा तुम हमसे किस बात पे प्रेम करते हो? कहा बताई मैम साहब, भगवान कसम सच कह दूं, हाँ तुम गोरी बहुत। सर तुम कितना का? अरे मैम साहब तुम नहीं समझी, कन्हैया जी जी भर के काले थे और राधा जी जी भर के गोरी थी, मगर प्रेम आहा नहीं समझी। हाय हाय मैम साहब, तुम नहीं समझ सकती, ये हिंदुस्तानी बात है। हम समझा समझा, ये बताओ तुम्हारा गांव कैसा है? हमारा गांव? अरे हमारे गांव की का पूछो तो मैम साहब, गर्मियों में गर्म हवा, सर्दियों में ठंडी हवा, आय हाय क्या मजा आवत है, और पेड़ों तले सावन में लड़कियों के झूले, आय हाय हाय अम्मा तले डोला रख दे मुसाफिर, सावन की आई बहार, हो सावन की आई बहार। कितना चौली आदमी है तुम, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैम साहब
डॉक्टर साहब आनंद बच जाएगा ना, डॉक्टर साहब बच जाएगा ना। मैं जीवन भर की पूजा का आज बदला चाहती हूँ। कहो मेरे माथे का टीका नहीं बिगड़ेगा तो माँ। हमारे दिल की आग ना बुझा दोगी हम तुम्हें चैन से ना बैठने देंगे। हम जला करें और तुम ऐशो आराम से जिंदगी बसर करो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिर में हमारे भी दिल है मुक्ता, तुम हमारी जिंदगी का मकसद हो, अब आओ और हमारे दिल में बैठकर हम मुक्ता। मुक्ता ये मुक्ता कौन है? डॉक्टर साहब ये सब दिल की बातें हैं, यू नो लव लव लव। हाँ तो हमारे गांव में एक छोकरी से इसका मैरिज ओह मैरिज यस तो उससे इसकी शादी होते होते कुछ बात ऐसी आई कि ओह यस हम समझ गया। डॉक्टर साहब समझ गए। कहाँ की तैयारी हो रही है भैया? गांव जा रहा हूँ। मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, अगर जाना ही है तो मुझे भी साथ ले चलो। नहीं माया, इस मरतबा मैं अकेला ही जाऊंगा। क्यों नहीं, परसों
भैया दूज है, बहन को छोड़कर जाना ही चाहिए। अरे फिर आ गई तेरी भैया दूज? हाँ भैया, कहो मुझे भी साथ ले चलोगे? कहो। अच्छा चल। हेलो, हाउ आर यू? हेलो आनंद, हम तुमको मुबारकबाद देता है, तुम बहुत अच्छा लड़ाई किया, सरकार ने तुमको लेफ्टिनेंट बना दिया। अरे डॉक्टर साहब, भगवान कसम हम भी ऐसी लड़ाई करते हैं, मगर क्या करें डॉक्टर साहब, अफसोस है मौके पे हाथ दगा दी। ओह यस, श्योर श्योर। मिस्टर आनंद, तुम अभी बहुत कमजोर है, सरकार ने तुमको आराम के लिए छुट्टी दिया, तुम घर जाने सकता है। और तुमको ये सुनकर खुशी होगा कि हम इस लड़ाई में जीत गया, दुश्मन भाग गया है। दुश्मन भाग गया डॉक्टर साहब, अब नहीं आएगा वापस? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं घर जाना नहीं चाहता, मैं घर जाना नहीं चाहता। अरे डॉक्टर साहब, इसका तो दिमाग खराब हो गया। अरे हाथ पैर में ताकत नहीं होगी तो क्या अपना सर बंदूक चलाएगा हैं? तो मैं सब। और डॉक्टर साहब, मुझे भी इसके कारण छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना कमजोर हो गया है डॉक्टर साहब, इतना कमजोर कि जरा भी नहीं चल सकता। हाँ देखो, जहाँ तुम वहाँ हम भी अभी छुट्टी लेंगे। देखो जी, आपने ये क्या हमको बांदरिया के मोहब्बत बना लिया है? भगवान कसम मैम साहब, मोहब्बत के तो ये मायने हैं कि जैसा देश वैसा भेद, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। और मैम साहब, वो जगह है ना, वो जगह यहाँ हम कोई जमाने में दोनों बच्चे थे ना, तो कौड़ियाँ खेलते थे। कौड़ियाँ? यू नो, जुआ जुआ। यू मीन गैम्बलिंग? ओह यस, श्योर श्योर माय डियर। चाची, ए चाची। कौन? क्या आनंद? आनंद भैया? भैया चाची तो गुजर गए। आनंद भैया, हिम्मत रखो, मरते वक्त मुझसे कहा था कि देख लंगड़ू, जब मेरे आनंद आए तो उससे ये न कहना कि मैं मर गई, कह देना काशी जी गई। अबे हाँ सुन लिया, चुप ही रहेगा, चल चल। देखो डाले, मेरे जाने के बाद आनंद का ख्याल रखना, और सुनो दरवाजा लगा लो। हाँ लाइट लाइट, देखो यहाँ लाइट आइट नहीं मिलेगी, ये तेल की बत्ती है, समझे? चल बे चल। मालिक, आनंद आई गवा। आ गया, और जी वर्दी जाते हैं। आनंद अच्छा, पसीना आ रहा है। हाँ हाँ बेटा आ रहा है। अरे सुन लो, तू आ गया। अरे हाँ चाचा। तू कब आया बेटा? मुन्नू, हेलो चाचा, हू आर यू? भगवान कसम चाचा, सच कहना चच रहा हूँ कि नहीं? अरे क्या ये बेटा, आज तो तुझे देख के गांव के सारे गधे भी सुर में बोलेंगे। मगर आनंद कहाँ? आनंद वो लेफ्टिनेंट हो गया। लेफ्टिनेंट हो गया, मगर वो है कहाँ? अरे चाचा, मुझे भी लेफ्टी दे रहे थे, मगर मैंने कहा Get out, get out. मैं तो जंडेली से कम नहीं लूंगा, तो साहब कहने लगा दो चार जर्मन को और मार दे तो तुझे जंडेली दे दूंगा। मैंने कहा साहब दो चार जर्मन तो क्या, 10-20 जर्मन को, मगर मुझे जरा छुट्टी से हो आने का। बहुत अच्छा किया बेटा। चाचा तेरे लिए मैं गोरी 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 हाँ, गोरी गोरी मैम लाया हूँ। अरे जी अरे बेटा, शाबाश शाबाश। मगर आनंद आया कि नहीं? शोर शोर। बेटा मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ आनंद आया कि? आया है, आया है। इधर बेटा। कौन? मैं तो मुक्ता। खोल दो दरवाजा। सचमुच देर हो चुकी है, आइए अंदर आइए।
मैं इन्हें सिर्फ देखने आई थी। देखो और अच्छी तरह देखो, अब मैं वाकई देखने काबिल हूँ, क्योंकि अब मैं गांव का सीधा साधा देहाती आनंद नहीं रहा हूँ। ये देखो, अब मैं कोट और पतलून पहनता हूँ, देख लिया तुमने? आनंद आनंद नहीं, लेफ्टिनेंट आनंद कहो, क्योंकि अब मैं देसी शराब नहीं पीता हूँ, विलायती पीता हूँ। मैं तुम्हें क्या निकालने दूंगी, छोड़ दो आनंद। सचमुच देर हो चुकी, अब मेरे पास आने से क्या फायदा, गांव वाले बदनाम करेंगे। जाओ वापस जाओ, मैं नहीं रहा बल्कि कोट और पतलून पहनता हूँ। मुक्ता, अब मैं देसी शराब नहीं पीता हूँ, विलायती पीता हूँ। जनेऊ कसम आनंद, बहुत बुरा किया तूने, गले में फांसी लगा के मर जाने वाली बात की है, उसे तूने बुरा भला कहा, जिसने तेरी इंतजारी की और रो रो के काटी है, जिसने तेरी वापसी की दुआ मांगते हुए हजारों दिए उस पेड़ वाली देवी को चढ़ा दिया है, जो अभी तक तेरा ही यात्रा किए हुए अपनी चुटकी में तेरे लिए सिंदूर लिए बैठी। चाचा, तो क्या उसका ब्याह नहीं हुआ? कह तो रहा हूँ भैया, वो अभी तक तेरा ही आसरा लिए हुए तुम्हारी बैठी है। मुक्ता, मुक्ता क्या कर रही है? मुक्ता, आग लगा रही हूँ उस प्रेम नगर को, जहाँ झूठे प्रेम ने जन्म लिया, जहाँ झूठी आशाओं ने परवरिश पाई। क्या तुम पागल हो गई? हो गई थी, अब होश में आ चुकी हूँ। तुम इससे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मुझे तो दहकती हुई आग पर तेल छिड़कने आए हैं आप। मुक्ता, मैं ये समझ रहा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। काश मेरी शादी हो गई होती और तुम भी मेरी तरह तड़पते। मैं अब भी तड़प रहा हूँ मुक्ता। क्यों, क्या नई नवेली का प्रेम अब तक किस तड़प को न मिटा सका? ये तू किसका जिक्र कर रही है मुक्ता? ये भी मुक्ता ही को बताना पड़ेगा। गांव वालियों के मुकाबले में शहरी औरतें अच्छी होती हैं, इसलिए कि वो तुम्हें दारू पीने से रोक सकती हैं। अरे तू तो मंगलू की बीवी का कह रही है, वो तो तेरी भाभी है। भाभी? हाँ। क्या सचमुच तुम्हारी शादी नहीं हुई? शादी तो मेरी हो चुकी, इसी पेड़ के साए के नीचे, भूल गए क्या? जवाहर बाबू। हाँ, खूब पहचान दो, वही जवाहर। मुक्ता, उस रोज तुम्हारा वक्त था और आज मेरा वक्त है। उस रोज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में थी और आज हवेली की इज्जत मेरे हाथ में है। और तुम? अच्छा हुआ तुमसे भी भेंट हो गई, तुम्हें भी गोली चलाने का बदला आज मिल जाएगा। जवाहर बाबू, इन्होंने गोली नहीं चलाई, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत? सबूत है मेरे पास, देखो ये गोली। इनसे कुछ ना कहो, भगवान के लिए इनसे कुछ ना कहो जवाहर बाबू, ये बीमार है। मुक्ता, अगर किसी को अपने हुस्न का शिकार बनाओगी तो तुम्हें भी उसकी ख्वाहिशात का शिकार बनना पड़ेगा। जवाहर बाबू, जब दूसरों की इज्जत को एक ही इशारे से खाक में मिला देना चाहती हो तो तुम्हें भी अपनी इज्जत के साथ जुआ खेलना पड़ेगा। उस दिल, ये लफ्ज मुझसे ना निकाल, ये लफ्ज मुझसे ना निकाल, नहीं तो खाक का कीड़ा खाक ही में रहना चाहिए, सर उठाने से कुचल दिया जाता है। मुक्ता, अगर अपनी हवेली की इज्जत और चाहने वाले की जिंदगी चाहती हो तो आज रात को मेरे मकान पर, लेकिन अकेले। कमीने, आज तुम्हारा आनंद तुम्हारी आत्मा को खुश कर देगा, जान दे देगा, मगर गांव की इज्जत पर कभी धब्बा नहीं देगा। आनंद, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ सोचते भी हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी, अपने गांव की और तुम बेशर्मों की इज्जत मिटाने जा रहा हूँ। बहन, भगवान के लिए इन दो पहाड़ों को टकराने से रोको, ये दो जिंदगियों का सवाल है। उस वक्त जिंदगी का ख्याल ध्यान में नहीं आता जब दूसरों की बेइज्जती कर डालती हो, जब किसी के दिल के साथ होली खेलती हो। ऐसा न कहो बहन, तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल है, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं कभी ऐसे जाहिल से ना करती। हम जाहिल जरूर हैं, लेकिन इज्जत के लिए अपनी जान पे भी खेल जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आनंद ने फैसला कर लिया है कि वो जवाहिर को जान से मार डालेगा। तो क्या मेरे भाई ने चूड़ियां पहन रखी है? वो भी राजपूत है। अगर तुम्हारा यही मतलब है तो जाओ, मैं उम्र भर आनंद के लिए रोऊंगी,
लेकिन तुम्हें भी जिंदगी भर अपने भाई के लिए तड़पना पड़ेगा मुक्ता। राजपूत औरतों की तारीख उठाकर देखो कि उनकी सारी जिंदगी तड़पते ही बीती लेकिन किसी के सामने हथियार नहीं डाले। ये एक राजपूती शान है। तो राजपूतों ने अपने घर आए हुए को कभी खाली हाथ वापस भी तो नहीं किया था। ये भी एक राजपूती शान थी। मुक्ता, मुक्ता, जाने दे मुझे। मैं कहता मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे जाने दे, नहीं जाने दूंगा। जाने दे मुझे। जाने। जा रहा है और तुम मुझे छुपा सकते हो इसलिए मुझे छुपाते हो कि बहन सोच देना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारी गलत किसी की परवाह है। तुम तो सिर्फ भाई की मोहब्बत से भूलते हैं। वो भी नहीं देना चाहते तो न दो। बहन नाराज हो गई। आज भैया दूज के दिन जो तेरा हक है हम देने को तैयार हैं। लेकर तिलक। तू क्या चाहती है? आज दूज के दिन एक बहन अपने भाई से क्या चाह सकती है? तो फिर बोलती क्यों नहीं क्या चाहती है? राजपूत के खून का जोश भी देख ले। तूने शायद ये समझ रखा है कि शहर में रह के ये खून थर पड़ चुका होगा। ले वार कर, हम तेरे सामने सीना तान कर खड़े हैं। मार दो जी। जवाहर, बहादुर का मुकाबला करना चाहता तो बहादुर की तरह कर। मार सहना चाहता तू भी बंदूक ला। बंदूक उठा लेने से आदमी बहादुर नहीं कहलाता है आनंद। तो क्या औरतों को डराने और धमकाने से आदमी बहादुर कहलाता है? औरतों को डराने वाला शेरों को ललकारने की भी हिम्मत रखता है। पत्थर का जवाब लोहे से देना जानता है। जवाहर बाबू, मगर मजबूर है। मजबूरी के पर्दे में अपनी बुजदली को छिपाने की कोशिश न कर। हिम्मत हो तो बंदूक ला और गोली मार। बहादुर के सीने पर बंदूक की गोली असर नहीं कर सकती बेवकूफ।
आज हम तुझे वो गोली मारते हैं जो मरते दम तक तुझे याद रहेगी। ले, हम अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में देते हैं। भैया, है रात सनम रहियो के जइयो। मानसंद, अरे तनी मेरी भी तो सुनो। जनेऊ कसम, जितनी खुशामत तुम्हारी की, अगर इतनी गंगा माई की करता तो अब तक पंडित की झोपड़ी में बहती होती, मगर तुमने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इधर देखो, ये धान सूखे जा रहे हैं, अब तो दो गगरी पानी डाल दो। पंडित जी, हाँ? तुमने तो ब्याह सगाई बहुत करा दी। बहुत, मगर एक औरत का दिल न समझ सके। वो कभी अपने मुँह से हाथ कहती है, उसका तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। चाचा, पसीना आ रहा है। अबे हाँ बेटा, आता रहा है और ये जब तक मरेंगे आता ही रहेगा।